टेक्निकल बहुत सारा डेटा रखना और एनालिसिस करना। अच्छा, बेसिकली एरे का पर्पस क्या होता है? एरे का पर्पस ये होता है कि हम उसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यूबल स्टोर करवाते हैं, वैल्यूबल स्टोर करवाते हैं, यही होता है ना एरे का पर्पस। तो जब हम लेट वाली कौन से काम करते हैं तो तभी पर्पस होता है हमारे पास। लेट करके भी तो हम वैल्यूबल स्टोर करवाते हैं ना अपने पास। इस बात से आप लोग एग्री करते हैं मेरी? ठीक हो गया। तो अगर आप बस एग्री करते हो तो मैं एरे का इस्तेमाल करूँ। मल्टीपल वैल्यूज अगर वो चाहिए तो एरे यूज करोगी, क्योंकि देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को डाटा बनाऊ बैठ के, यहाँ पे संडे 2 to 5 को डाटा बनाऊ बैठ के, तो मुझे कितने वैल्यूबल बनाने पड़ेंगे आप लोगों को नाम स्टोर करने के लिए? अगर इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ 700 है तो उसको 700 वैल्यूबल बनाने पड़ेंगे मुझे, ऐसे ही है ना। बट अगर मैं एरे में जाती हूँ तो मुझे एरे से क्या बेनिफिट मिलेगा? आप एक ही वेरिएबल बना के वन टाइम जो है वो वेरिएबल का नाम लिखूंगी और आप सबको एक साथ सेव कर दूंगी, ऐसे ही है ना? यस मैम। ठीक है, इसके अलावा हमने मेथड्स पढ़े थे एरे के, क्योंकि देखिए सिर्फ नाम स्टोर करना तो काफी नहीं ना हमारे लिए, हमें भी बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी है। मतलब आप लोग अभी इस वक्त है 700 के स्टूडेंट है, ठीक है, अब एग्जाम होगा तो आप लोग कितने हो जाएंगे फिर? 350 हो जाएंगे, आधे चले गए, पहले बोरी लगाते हैं हम। 20% रह जाएंगे, 700 स्टूडेंट में जो है अब अगर एग्जाम के बाद कितने रह जाएंगे? 200-300 कितना कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं, लेट हो रह जाएंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे भाई, सारे के सारे इंशाल्लाह सब पास हो गए, सबके सब भी जाएंगे आगे। इसने सॉफ्टवेयर हैक कर लिया है मैडम, तो इंशाल्लाह नहीं बोला इस बार, इंशाल्लाह सब हो जाएंगे, इंशाल्लाह डॉलर ही रखे सिर्फ नहीं, पाउंड्स के लिए भी रखे, डॉलर पाउंड्स रियाल दिरहम यूरो हो गया और दिरहम हो गया, दिनार हो गया, रियाल हो गया, इस बात में इंशाल्लाह पक्का ऐसा कि अल्लाह खुश हो जाए, बस दे दो इनको। चले हमने मैथड पढ़े थे, यानी कि अब हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी क्लास की, तो भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर मैंने नया एरे बनाऊंगी, हमें स्टूडेंट करके मैंने एरे बनाया और सबको सेव कर दिया, मेरे पास 200 स्टूडेंट ऐड हो गए, तो क्या मैं स्टूडेंट बंद करूंगी, नया वेरिएबल बनाऊंगी और फिर 200 स्टूडेंट ऐड कर दूंगी, फिर क्या करूंगी मैं? उसी में ऐड करेंगे, सोचो कल करूंगी ऐसा, क्या कह रही है? पुश करके मेथड का इस्तेमाल करूंगी, दैट्स नाइस। मेथड कौन सा यूज होगा कि अगर मुझे बढ़ा रहे हैं अपनी एरे? डॉट पुश, डॉट पुश, पुश के अलावा भी दूसरा मेथड इससे ऐड हो गया, डॉट शिफ्ट, डॉट शिफ्ट, डॉट शिफ्ट हो गए, ठीक हो गया। अगर मुझे उसमें से कुछ डिलीट करने हैं स्टूडेंट्स, शेप पॉप पॉप का मेटा यूज करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा कोई मेथड इससे डिलीट हो सकता है? शिफ्ट होगा ना, एक स्लाइस, 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 ये वो स्लाइस नहीं है जो मैंगो वाली होती है ना, ये ब्रेड वाला स्लाइस है, ठीक है। अच्छा, और हम क्या परफॉर्म करवा सकते हैं मेथड के थ्रू? अगर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट चाहिए जिसका नाम किरण है, तो कैसे निकालूं मैं किरण को? इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ से निकाल दूं किरण को? यस। लेकिन अगर 4 किरण आ गई तो वो भी उसी से सबसे पहले। अच्छा चलिए ठीक है, अब 500 लड़कियों में से 2 किरण पहले आ रही है और 1 किरण आखिर से शुरू हो रही है, अब मुझे आखिर वाली किरण चाहिए, क्या करूंगी मैं? लास्ट इंडेक्स नंबर, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे हम लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये लड़कियां जो है ना पढ़ के आई, बता रही हूँ टफ कॉम्पिटिशन है आज आप लोगों का, चीटी लगी पड़ी थोड़ा सा है, मैंने गर्मी ने डाउन किया हुआ है, कह रहे गर्मी तो साला साल गर्मी सर्दी पड़ती कब है, चलो आज ये बता, लैपटॉप का कवर किया नीचे मैंने, ये तो सर्दी पड़ती कब है कराची में? जनवरी और दिसंबर में, जब विंटर वेकेशन खत्म हुई 2 दिन की सर्दी पड़ती है, जब कोयटा में बर्फबारी होती है तब, मतलब आप लोग धुआं कर रहे थे गर्मी आ जाए वापस, नहाना धोना होता नहीं आप लोगों सर्दियों में, पार्टी पानी देख के दूध भाग जाते हैं आप लोग, बस ऐसे ही होता है, मुझे पता चित नहीं है पानी आता ही नहीं। देखिए ये जो मसाइल है ना, ये आप जो है ना इस पे हम पूरी किताब लिख सकते हैं कि ये तो कराची में रहते हैं ना, आपको भीड़ होना चाहिए आप लोगों तक,
कराची में रहने वाला बंदा ढीठ होना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गैस हो ना हो, लाइट हो ना हो, पानी हो ना हो, पंखा हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज गर्मी गर्मी करना बंद करें, हाई हाई करना बंद करें गर्मी को लेकर। और ये बताइए लास्ट इंडेक्स ऑफ हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, इंक्लूड इंक्लूड का मेथड किस लिए होता है, मैंने पढ़ने के लिए दिया था क्यों होता है, क्या करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, तबियत, हाँ मतलब इसके नाम से बता रहे हैं इंक्लूड है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे इंक्लूड के मेथड लिखा हो, मैंने किरण लिख दिया और रे किरण कोई भी नहीं होगी तो कोई किरण नहीं आएगी मेरे पास, और जितनी किरण होगी वो सब सामने आ जाएंगे मेरे पास, तो इंक्लूड का मेथड से ये होता है। मैं आपको बताया भी था कि इंक्लूड का मेथड जो है वो ES22 में चलता है, ES2017 में चलता है, कभी भी इंक्लूड का मेथड अगर आप यूज करें तो पहले उसमें जाके आपको कॉन्फ़िग भी चेंज करना पड़ेगा और फिर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूड का मेथड हो गया। ज्वाइन का मेथड क्या करता है, ऐड करता है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि दो एरे को कॉन्केट करता है ज्वाइन का मेथड। ज्वाइन का मेथड जो है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ, जैसे कि एग्जांपल दे लिस्ट ऑफ नंबर्स या लिस्ट ऑफ नेम्स है उसके अंदर हमें कॉमा सेपरेटेड अगर मैं शो करवाना तो ज्वाइन के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ज्वाइन का मतलब यही कि हम मैट्रिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं अपनी एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा ज्वाइन हो गया, इंक्लूड हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, लास्ट इंडेक्स ऑफ हो गया, कॉन्केट का मेथड क्या करता है, मैडम आपने रिड्यूस भी बताया था, रिड्यूस क्या करता है, ये पढ़ने दिया था मैंने आपको, कौन था भाई सही बताने बताया ना, डिवाइड करते हैं अलग अलग, ये अगर सारी वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर बनी उनको सारों को सम करके एक वैल्यू शो कर देगा, यानी कि आप ये चाहते हैं ऑटोमेटिक ऑपरेशन होगा। जी जी जी, ऐसे इस तरह। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे पांच एलिमेंट, पांच शूटर के नेम है तो मैं क्या एलिमेंट पर क्या परफॉर्म करवा सकती वाला हूँ उनके ऊपर, अच्छा ठीक है, अच्छा आप लोग क्या कह रहे हैं उसका रिड्यूस से क्या बोल रहे हैं आप लोग, जी फीमेल्स आप लोग सन्नाटा चाहिए, सन्नाटा बोल रहे हैं, सन्नाटा सैमसंग यार, अभी मैंने तारीफ कही थी, अभी तारीफ की है मैंने आप लोगों की, सन्नाटा आ गया, लाइट चली गई लाइट चली गई, तारीफ हजम नहीं पड़ रहा, सिंगल वाली में सम करवा सकते हैं, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, अच्छा मुझे कोई एग्जैक्ट बता सकते हैं रिड्यूस क्या होता है एग्जैक्टली, बिल्कुल रिड्यूस, हाँ रिड्यूस मेथड कैसे काम करता है, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, फटाफट सिस्टम में देख के बताया आपने, जिनके पास लैपटॉप हो तो दोनों विंडो में चेक कर लेंगे अपना, लेकिन हम नहीं करना चाहते, रिड्यूस का मेथड बताया क्या काम करता है जल्दी से मैडम, रिड्यूस सम करता है दो वेरिएबल्स को, तो नाम तो रिड्यूस हम कैसे कर रहे थे, फंक्शन होता है ठीक है, सर्च हो गए भाई, हाँ बताए ये कॉल बैक फंक्शन है, ये लेता है और तमाम वैल्यूज को उसमें जो है वो सम कर देता है, करता है और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको वो सम करेगा। ठीक है, ऊपर आके बता सकते हैं, आ जाए, अच्छा रिड्यूस का मेथड है, देखो
रिड्यूस का मेथड जो है एक कॉल बैक फंक्शन लेता ही है। अब हम कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी हम इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद जो भी उस एरे का फाइनल रिजल्ट होगा ये उसको रिटर्न करेगा। अगर आपको W3 स्कूल, अगर आप अपने पास खोल के देख लें एक मरतबा, यहाँ पे W3 स्कूल आप एक मरतबा ऑन करेंगे। अच्छा देखें, यहाँ पे रिड्यूस के अंदर एक एरो फंक्शन में यहाँ पे यूज हो रहा है। हम चाहें तो यहाँ पे एरो फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या एनोनिमस फंक्शन के भी थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे फंक्शन का डायरेक्टली नाम दे के उसके अंदर एक काम कर सकते हैं। और उस जितना भी डेटा सही नजर आ रहा है अभी जी सर, सही नजर यहाँ पे भी ये भी गिरा देना, टेबल नहीं गिरा देना भाई, टेबल नहीं गिरा देना। हिल रहा है टेबल। अच्छा देखें, यहाँ पे एक एरे है जिसको नंबर्स के एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, और नंबर्स डॉट रिड्यूस और यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है जो कि फंक्शन एक अलग से रखा हुआ है। इसी तरीके का हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन भी इसी तरीके का फंक्शन पढ़ा भी है। अब ये यहाँ पे इसको जो भी कैलकुलेशन जहाँ पे हम कर रहे हैं, चाहे हम इसमें माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, इसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट होगा ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पे इसको मैं ट्राई भी करता हूँ तो जितने भी एक एक करके नंबर्स जा रहे हैं उसमें करंट वैल्यू को ये माइनस करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट बना वो उसने यहाँ पे रिटर्न करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। कुछ ही बच्चों ने ताली बजाई, हमने बजाई, हमने बजाई जिससे अच्छे पहले चाहिए था आप लोग आया करें। और मैं तो कह रही हूँ लड़के आए करें दूसरे के, ना लड़कियाँ बाहर खींच खींच के आया करें, एक दूसरे को। अच्छा मैंने आज कुछ प्लान किया आप लोगों के लिए, वो ये कि जो 15 मिनट्स का ब्रेक है ना तो उसमें हम एक छोटा सा जो है ना एक्सरसाइज करेंगे। तो वैसे आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों ने जो भी करना हो ब्रेक में आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहे वो बस आ जाएगा ब्रेक में यहाँ पे, तो फिर हम एक छोटी सी एक एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है? ओके। अच्छा रिड्यूस समझ में आया आप लोगों को, रिड्यूस काम कैसे कर रहे हैं, किस किस को समझ में आया था, हैंड रेज करें। कॉल बैक फंक्शन इस तरह काम करता है, लेकिन एग्जैक्टली इसका वर्क ये नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं इस तरह भी काम करता है। अच्छा अभी किसी को समझ में आया ये रिड्यूस वाला, आपको आ गया, चले बताए मूड किस किस का हंसने का। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सीरियस हूँ पढ़ाई को लेकर। देखिए जैसा कि भाई ने बोला कि रिड्यूस का मतलब है वैल्यू को रिटर्न करता है, ये जो हम रिड्यूस का फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसा कि इसमें दिया हुआ है नंबर 175 एंड 50 एंड 25, तो इनकी वैल्यू को ये माइनस प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो 100 हो गई, और वही वैल्यू उसने दे दी यहाँ पे। ओके 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 पता भी नहीं, इसने कंप्लीट में ताली बजा दी इसके लिए, आप लोग इतने बुरे आप लोग, पीछे तक जाओ।
ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो अब आप बताइए रिड्यूस में क्या इशू आ रहा है आपको समझ में, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं कुछ भी समझ नहीं आया। बहुत अच्छी बात है आप लोगों को पढ़ने की चीज़ है, मैंने अभी तो बड़े थोड़ा बताओ बच्चे होते हैं आप लोगों ने मुंडी हिलाई थी अपनी कि हम पढ़ कर आए घर से, रिड्यूस ही नहीं पढ़ाता बस आप वाले दिया था रिड्यूस जी जी आपने दिया था बिल्कुल दिया था। लेकिन मेरे पास जो है ना ऑन रिकॉर्ड एक चीज भी होती है यहाँ पे ना, तो मैं आप लोग रिकॉर्डिंग चेक करा सकती पिछले क्लास की, पूरी क्लास रिकॉर्ड हो गई थी मेरे पास। चलो अच्छा ठीक है हम नहीं देते कोई बात इसको पढ़ लेते हैं। वैसे हमारे साथ जो है मिस न्यू एड हुई है हमारे साथ, ये मिस जो है ये भी फैकल्टी मेंबर है और ये भी जो है आप लोगों को पढ़ाएंगी क्लास में, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगी थोड़ा सा जो है मिस अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सॉरी मैंने बहुत लेट रियलाइज किया कि आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो ओके मैडम। गर्मी है ना मैडम आपको याद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा, मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ और इंडस्ट्री में एक साल से काम भी कर रही हूँ माशाल्लाह, और अब से मैम के साथ आपको पढ़ाया करूँगी। मैडम बैटरी चार्ज किया करें ना। चार्जिंग के लिए अरफान भाई को बुला ले, ये लगा दे दो बंदे लास्ट टाइम उन्होंने हिम्मत दिया था एरेज का, उन्होंने कहा था कि 15 मेथड्स पढ़ के आने आप लोगों ने कोई सी भी, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। हमने चेक किए थे लेकिन होमवर्क के तौर पे कहा था कि कोई भी, हाँ हमने कहा था कोई भी 15 मेथड्स करना है, अभी इतनी देर से हम रिवाइज कर रहे थे सारे मेथड्स, तो अभी हम अपने हमने ये करना है कि पैनावर्स की रैपो की प्रिपरेशन करनी है। हमने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जो रैपो होगी एग्जाम जो आएगा वो रैपो से आएगा पैनावर्स की, तो उसमें स्टेप नंबर 10 तक हमने कवर करना है। तो आज हम प्रोजेक्ट लेब आज हम टाइप्स पढ़ेंगे कि जब भी हम एरे डिफाइन करते हैं तो एरे अगर हमें स्ट्रिंग के बनाने हैं, नंबर्स के बनाने हैं, बूलियंस के बनाने हैं या फिर मल्टीपल टाइप्स के एरे बनाने हैं, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं टाइप्स करके, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। बूलियन और एनी तो बहुत सारे टाइप्स होती हैं। अब एरे में हमने देखा कि लास्ट टाइम एरे में हमने स्ट्रिंग भी सेव करवाए, नंबर भी सेव करवाए, लेकिन वहां पर तो यहाँ हमने एक नंबर्स का एरे बनाया, यहाँ पर 5 नंबर्स हैं इस एरे में। तो इस एरे के अंदर 5 नंबर्स हैं, थोड़ा इंटरनेट का मसला हो सकता है, लेकिन इस एरे के अंदर 5 नंबर्स हैं, लेकिन इस एरे के अंदर अभी कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम यूजर को रोक सकें कि वो इसमें स्ट्रिंग सेव ना करें। अगर कोई भी यूजर चाहे तो इसमें स्ट्रिंग भी सेव करवा सकता है, बूलियन भी सेव करवा सकता है या कोई दूसरी डेटा टाइप भी सेव करवा सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर कोई ऐसा मेथड नहीं बनाया, कोई सिक्योर मेथड जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ नंबर ही यूजर इस एरे में ऐड करवा सके। अगर यूजर चाहे तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी ऐड करवा सकता है। इससे बचने के लिए हमें यहाँ पर टाइप्स इस्तेमाल करना।
करनी पड़ेंगी जो हम एक नॉर्मल वेरिएबल में इस्तेमाल करते थे. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बनता है लेट ए इक्वल्स वन. अब इस वेरिएबल में एक नंबर सेव है लेकिन अगर कोई यूजर चाहे इस वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग सेव करवाना तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा. यहाँ पर एरर आ जाएगा कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर. तो यहाँ पर टास्क क्या कर रहा है कि हमें रोक रहा है किसी भी ऐसे वेरिएबल में स्ट्रिंग सेव कराने से जिसमें पहले से नंबर सेव है. लेकिन यहाँ पर जब एक एरे है जो कि नंबर्स का है यहाँ पर मैं स्ट्रिंग भी सेव करवा सकता हूँ, यहाँ पर मैं कोई बुलियन भी सेव करवा सकता हूँ, यहाँ पर मैं हर तरह का डेटा टाइप सेव करवा सकता हूँ. कोई ऐसा मेथड या कोई ऐसा मेजर नहीं है जो मुझे रोक सके कि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही सेव कराऊँ. इसके लिए हमें उसी पुराने मेथड पर जाना पड़ेगा जो हम वेरिएबल्स पर इस्तेमाल करते थे. हम क्या करते थे, हम एक कॉलन लगाते थे और उसके बाद अपनी टाइप डिफाइन कर देते थे. अगर यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर तो अब इस एरे में सिर्फ नंबर ही सेव हो सकता है. अगर यहाँ पर भी मैं स्ट्रिंग सेव करना चाहूँ तो वो स्ट्रिंग सेव नहीं होगा, यहाँ पर ही एरर आ जाएगा कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर. लेकिन अगर यहाँ पर मैं टाइप स्ट्रिंग कर दूँ तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग सेव होगा, कोई नंबर सेव नहीं हो सकता. और यहाँ पर भी एरर खत्म हो गया क्योंकि अब यहाँ पर भी हम अपडेट कर रहे हैं वैल्यू वो एक स्ट्रिंग है. लेकिन अगर यहाँ पर मैं कोई नंबर दे देता हूँ उसे तो अब यहाँ पर एरर आ जाएगा कि नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग. तो इस तरीके से हम एक आम वेरिएबल में कोशिश करते थे कि हम अगर स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहे हैं तो सिर्फ स्ट्रिंग ही सेव हो, नंबर का वेरिएबल बना रहे हैं तो सिर्फ नंबर ही सेव हो. अब ये मेथड हम एरे में किस तरह करेंगे, सेम मेथड हम इस्तेमाल करेंगे एरेज के लिए. हम यहाँ पर कॉलन लगाएंगे सबसे पहले जो हम एक आम वेरिएबल के साथ करते हैं, उसके बाद हम इसकी टाइप लिख देंगे और इसकी टाइप है नंबर. लेकिन यहाँ पर नंबर लिखने के बाद एक एरर आ गया और ये कह रहा है कि स्ट्रिंग नंबर बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर. यहाँ पर हम इसको नंबर असाइन कर रहे हैं फिर भी, तो इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा एक आम वेरिएबल और एक एरे में क्या डिफरेंस है. अगर हम एक आम वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू सेव हो सकती है, एरे में एक से ज्यादा. सेकंड, एरे का सिंटेक्स, एक आम वेरिएबल जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू लिख देते हैं. अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिख देंगे, नंबर है तो नंबर, बुलियन है तो बुलियन वैल्यू लिख देंगे हम. और एरे में क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं. तो इसी तरह जब हम यहाँ पर भी अपनी टाइप डिफाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे. अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स लगाए यहाँ पर एक मेथड तो हल हो गया. अब ये नंबर्स जो है ये एक नंबर्स का एरे तो बन गया, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बुलियन सेव कराए थे या स्ट्रिंग सेव कराए थे अब वो एरर देने लग गया. और ये एक अच्छी बात है क्योंकि अब मेरे एरे में जो कि नंबर्स का एरे है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही सेव हो सकते हैं. तो अब मेरा जो एरे है ये सिर्फ नंबर सेव करेगा. तो ये एक तरीका है अपने एरे को रिस्ट्रिक्ट करने का कि अगर इस एरे नंबर्स के लिए बने तो इसमें सिर्फ नंबर ही सेव हो. लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे इस एरे के अंदर नंबर और स्ट्रिंग दोनों सेव करने पड़ गए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स डिफाइन करूंगा. हम पहले एक आम वेरिएबल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर एरे पे आते हैं. आम वेरिएबल में हमने क्या किया कि जब हमें दो से एक से ज्यादा टाइप देने थी तो हम क्या करेंगे, अब इस वेरिएबल की टाइप है स्ट्रिंग, इसमें कोई नंबर सेव हो सकता है, कोई बुलियन सेव हो सकता है. अगर मैं सेव करवाऊं तो यहाँ एरर आ जाएगा, यहाँ पर एरर आ गया. इसका नाम थोड़ा मीनिंगफुल कर देते हैं. तो मैंने इसका नाम एग्जांपल कर दिया. एग्जांपल जो है ये एरर दे रहा है और ये एरर है कि नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग. अब मैंने इसकी टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग बोली और मैं इसको नंबर दे रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एक ही वेरिएबल में नंबर और स्ट्रिंग सेव करवाने की जरूरत पड़ सकती है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक मेथड इस्तेमाल करूंगा जिसको हम कहते हैं टाइप एलाइसिस. उसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा टाइप्स बता देते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर एक दो या दो से ज्यादा टाइप्स भी के वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं एक से ज्यादा टाइप देना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे एक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा. और अब मैं यहां पर नंबर दे सकता हूं. अब इसमें से एरर चला गया. अगर आगे चल के मैं इसकी वैल्यू अपडेट करता हूं एग्जाम्पल को किसी नंबर के किसी स्ट्रिंग के बराबर कर देता हूं तो अब क्या हुआ, कोई एरर नहीं आया.
इससे क्या हुआ कि अब मैंने एक वेरिएबल बनाया एग्जांपल, उसको मैंने दो टाइप्स दे दी, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, और मैंने इस दोनों को सेपरेट किससे किया, एक बार से सेपरेट किया। इस बार को इस मेथड को हम कहते हैं टाइप एनालिसिस। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा टाइप भी हम दे सकते हैं, दो टाइप्स दे सकते हैं, तीन दे सकते हैं, चार टाइप्स भी हम वेरिएबल्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो टाइप्स दे दी, एक स्ट्रिंग और एक नंबर। पहले हमने इसको एक स्ट्रिंग असाइन किया, फिर एक पहले हमने एक नंबर असाइन किया, फिर हमने एक स्ट्रिंग असाइन किया और कोई एरर नहीं है। अगर इसको आगे चल के मैं एक बूलियन असाइन कर देता हूँ, फिर क्या एरर आएगा? अगर इसको आगे चल के मैं एक बूलियन असाइन कर देता हूँ तो अब यहाँ पर एरर आ गया। मैंने इसको ट्रू वैल्यू दी और यहाँ पर एरर आ गया। क्या एरर है कि बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग एंड नंबर। अब स्ट्रिंग और नंबर के वेरिएबल में मैं बूलियन असाइन नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों? अब उसके लिए एक मेथड मैं यह करूँगा, एक और बार लगाऊंगा और अब इसको बूलियन भी दे दूंगा। अब क्या हुआ, अब वो तीनों डेटा टाइप एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं बार लगाते रहूंगा और मल्टीपल डेटा टाइप देता रहूंगा और क्या होगा कि मेरे पास मल्टीपल डेटा टाइप सेव हो सकते हैं एक एक ही वेरिएबल में। अभी हमें सिर्फ एक ही वैल्यू सेव करवानी है एक टाइम पर। अभी हम एरे में जाते हैं, ये एन ई की बात कर रहे हैं कि अगर जो है वो अगर यहाँ में तीन वैल्यू नहीं देनी। अच्छा, एनी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें फिर अगर कोई एरे सेव कराएगा वो भी सेव हो जाएगा। अगर आगे चल के किसी ने एरे सेव कराना खुला खाता है, अगर कोई एरे बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, जो बोलना है कैमरे में बोलो, तो अब इसमें ये सेव नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया। एनी में क्या होगा कि वो भी सेव हो जाएगा, इसलिए मैंने एनी इस्तेमाल नहीं किया। तो एनी बचा बस? हाँ, एनी बचा, नहीं एरेज बचे हैं, अभी ऑब्जेक्ट्स बचे हैं, टपल्स बचे हैं, अभी बहुत टाइप्स हैं, अनडिफाइंड है, नल है, अभी बहुत सारे टाइप्स हैं जो अभी नहीं बचे, ऑफ में दो घंटे भी बचे हैं। तो यही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे एरेज के ऊपर। अगर यहाँ पर जाके मैं इसको ये बोल दूँ कि भाई एरे भी सेव होगा और वो नंबर्स का एरे होगा, तो अब यहाँ पर एरे भी सेव हो जाएगा, तो अब एरे में भी कोई एरर नहीं आ रहा। तो एनी में क्या होगा कि कोई भी डेटा टाइप सेव हो जाएगी, जबकि टाइप एनालिसिस में मेरे पास कंट्रोल है। अगर मुझे सिर्फ दो सेव करवानी है तो मैं सिर्फ दो ही दे सकता हूँ, बाढ़ ला के तीन सेव करवानी है सिर्फ तीन ही दे सकता हूँ। एरे के लिए अगर मुझे एरे में एक ही एरे में नंबर भी सेव करवाना है और एरे और स्ट्रिंग भी सेव करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ। और यहाँ पर तीन नंबर है। अब यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग सेव करवा रहा हूँ, कोई स्ट्रिंग सेव करवाएगा तो वो आराम से सेव हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसकी टाइप डिफाइन नहीं करी थी। अच्छा, इस पे हम आते हैं, यूनियन भी देखते हैं, इंटरसेक्शन भी देखते हैं, अभी आपने जो एग्जांपल दी है। अच्छा, ये जो है ये हम बहुत सारे टाइप्स को आपस में मिला रहे हैं, तो ये इसको यूनियन भी कह सकते हैं। और इसका एक और मेथड भी है, हम इसकी अलग से टाइप भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर चार टाइप्स आ गई, पहली स्ट्रिंग है, दूसरी नंबर है, फिर बूलियन है, फिर नंबर एरे है। अगर मुझे कोई और वेरिएबल बनाना है उसकी सेम टाइप होगी तो मुझे करना पड़ेगा यही सेम चार टाइप्स दोबारा लिखनी पड़ेंगी, और मैं तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा तो मुझे दोबारा ही चार टाइप लिखनी पड़ेगी। तो उसका एक सलूशन क्या है, ये यूज कहाँ पर होगा, ये अगर हमने कोई फील्ड बना, आगे चलिए हम एप्लीकेशंस बनाएंगे तो वहां पर उसके अंदर एक ही वेरिएबल में हमें बहुत सारे डेटा सेव करवानी पड़ेंगे। अभी हम नहीं करवा रहे, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसा भी होगा। हाँ, यूजर नेम पासवर्ड में एरर नहीं लगते। हाँ तो अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीन डेटा टाइप सेव हमने सेव कर लिए। अगर मैं कोई फ्यूचर में एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें दोबारा से मुझे सेम चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी स्ट्रिंग नंबर बूलियन तीनों सेव हो सकता है, तो यहाँ मैंने क्या किया, दोबारा लिखूंगा स्ट्रिंग, फिर लिखूंगा नंबर और फिर बूलियन। अब ये जो काम है बहुत
बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे इस तरह के 10 वेरिएबल्स बनाने हैं तो मुझे 10 बार ये तीन चीज़ें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे अलग से टाइप बना सकता हूँ। उसका सिंटेक्स क्या है, मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप, जिस तरह वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल के लिखते हैं लेफ्ट। वेरिएबल क्या करता है, कोई वैल्यू सेव करता है। टाइप क्या करेगा, कोई भी डेटा टाइप सेव करेगा। तो टाइप के हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टाइप, अपनी टाइप को एक नाम देंगे, हम इसको क्या देते हैं कि माय टाइप। और अब ये वाली जो वैल्यू है इसे हम असाइन कर देंगे इसे। अब हम क्या करेंगे, बजाय इसके के बार बार पूरी लाइन लिखने की, हम क्या करेंगे सिर्फ जो हमने अपनी टाइप बनाई है उसका नाम दे देंगे। बार बार बनाने से फिर एक ही टाइप में आके ज्यादा भी टाइप दे सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, इसका इसका क्या फायदा, बार बार वेरिएबल असाइन नहीं करना पड़ रहा। बार बार इसी टाइप को रीयूज करना है, बार बार हमने एक ही वेरिएबल बनाना है जिसमें नंबर भी सेव हो, जिसमें बुलियन भी सेव हो, जिसमें स्ट्रिंग भी सेव हो, तो हमें बार बार तीन तीन टाइप्स बनानी पड़ रही है, बार 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 लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अलग से टाइप बना ली और हमने उसको बता दिया कि इस टाइप के अंदर तीन तरह की वैल्यू सेव हो सकती है। अब हम अगर किसी भी वेरिएबल को ये टाइप देते हैं तो उस वेरिएबल में ये तीन वेरिएबल सिर्फ सेव हो सकते हैं। और जिस तरह हम स्ट्रिंग के साथ करते थे, हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते थे या फिर नंबर लिखते थे, उसी तरह हमने यहाँ पर अपनी खुद की टाइप लिख दी। अब इसी चीज को हम एरेज में देखते हैं, एरेज में किस तरह होगा। अब यहाँ पर एक एरे है, इसमें नंबर भी है स्ट्रिंग भी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ नंबर से हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कॉलन लगाया और अपनी टाइप दे देंगे कि इसमें नंबर से होंगे लेकिन नंबर का एरे से होगा, तो उसके लिए हमें ब्रैकेट से आने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक तरीका ये है कि इस तरह से हम डिफाइन करना है। अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर एरे आ जाएगा कि स्ट्रिंग जो है वो किसी नंबर टाइप के एरे में सेव नहीं हो सकता, तो हम इस स्ट्रिंग को अभी के लिए हटा देंगे। मैम क्वेश्चन, तो आप फीडबैक देते जाते हैं साथ साथ, फीडबैक से ये होगा कि हम बस चलता जाएगा कि आप लोग समझ में भी आ रहा है, ठीक है, समझने के साथ साथ जो है आप लोग उस चीज को माइंड में बिठा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे लेक्चर सुनना काम नहीं है आप लोगों का काम ये है कि आप लोग उस चीज को जो भी आप सुने उसको फॉरन प्रोसेस करें, अपने माइंड में प्रोसेस करें, उसके बाद आपके जहन में एग्जाम्पल चलनी चाहिए। अगर आपके जहन में एग्जाम्पल चल गई, जैसे आपने किसी एरे के बारे में पढ़ा, ट्रू फॉल्स के बारे में पढ़ा, बुलियन के बारे में पढ़ा, अगर वो जहन फॉर्म आ गया आपके, एक चीज को चीज अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं बुलियन, तो आपको माइंड में क्या आ रही पहली चीज, स्ट्रिंग क्या है माइंड में, नेम वगैरह, फैमिली इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा जाएगा स्ट्रिंग, डेटा टाइप आ रही माइंड में। अगर बोलूं नंबर, तो क्या आ रहा है दिमाग में, 9, 2, 3, 4 नंबर आ रहे, क्यों आ रहे सब चीज हमें दिमाग में, क्योंकि वो प्रोसेस हो चुकी है हमारे माइंड में। आप लोग यहाँ पे एज अ डमी नहीं आए हो कि बस बैठ के सुन के हाथ पे हाथ रखे और सब कुछ करके, और अभी मुझे आवश्यक कंप्लेंट्स आ रही है, बैक साइड बैग वाले बच्चे गेम खेल रहे हैं, तो बच्चा आप अपना टाइम को इन्वेस्ट करो, 3 आवर्स सिर्फ यहाँ बैठ के इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 घंटा आपको लगता हुआ आने का और 1 घंटा लगता हुआ जाने का, 5 घंटे जिंदगी अगर आप हफ्ते हफ्ते निकाल रहे हो तो यानी पूरे महीने 20 घंटे हैं, और आगे गेम खेलने बैठ लो पीछे फायदा क्या, घर में गेम नहीं खेल सकते अपने आप लोग, घर में गेम भी खेल सकते हो, घर में मूवीज भी देख सकते हो, इतनी गर्मी में आके फॉर होने की क्या जरूरत है। ये जो बच्चे बैठे हैं आप समझ में आता पढ़ने के लिए बैठे हैं, आप लोग क्यों बैठे हैं, आपको पता है कि आपके गेम खेलने से बराबर वाले को मोटिवेशन मिलेगी, आपके वो बोलेगा चलो ये गेम खेल तो मैं भी गेम खेल लेता हूँ, ये चैट पर लगाओ तो मैं भी चैट करने लग जाता हूँ, ये मूवी देखे तो मैं मूवी देखता हूँ, जितना आप अपना टाइम और वक्त पर बात करते हैं यहाँ पे आगे से मूवी देखने के लिए और गेम खेलने के लिए, इतने टाइम में पैकेज कराए और खेलने लग जाए गेम, वाईफाई तो हर जगह अवेलेबल होता है ना, आप तो जिस तरीके से खाने की जरूरत है आपको 3 टाइम्स का वाईफाई की जरूरत है, आपको नीड बन चुकी है ना, तो वांट नहीं है वाईफाई, आपको नीड है, तो
आप लोग घर बैठ के खेले ना, आप नहीं यहाँ का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। आप लोग मुझे आके बोलेगा मिस आपकी क्लास में बच्चे गेम खेल रहे, तो मुझे तो बुरा लगेगा ना, मैं बोलूंगी यार मतलब आप लोग को मेरा पढ़ाया समझ ही नहीं आज का, मतलब यूजलेस है ना फिर। तो खुदारा आप लोगों को गेम खेलना है, कुछ भी करना है पर्सनल लाइफ में आप करें, बर्बाद करें, आप बात करें, जो करना करें, लेकिन अपने घर में करें बैठ के। यहाँ पे बैठ के सीट रिजर्व मत करें, किसी पत्नी कितनी जरूरतमंद की सीट खाली हुई आपने। अगर ये सर उन्हें पढ़ाया किसकी को समझ आई, ऑनेस्टली हाथ स्टैंड करना है अपना। ठीक है, कोई भी एक बंदा मुझे बता दे जो हुनैन ने अपना पढ़ाया समरी के अंदर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं करना, बताना है अभी। आप इनके अलावा, इनके अलावा कोई और है जो बताएगा? मल्टीपल टाइप को जो है आपके भी अलावा, कि दो तीन बच्चे आगे के सिर्फ हाथ स्टैंड करते हैं, समझ नहीं समझ आया। फीमेल में कौन बताएगा? हाँ बेटे बताओ। जी जी आप जो नीचे बैठे हुए, हाँ अरे बैठे बैठे बता देती बच्चे, अपना ही गार्डन है। ठीक है इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? टाइप इंटरफेस। सॉरी टाइप एलियास। इंटरफेसेस टाइप अलाइज। एलियास कहते हैं ना उसको। टाइप एलियास। टाइप अलाइज। अलाइज। एलियास। एलियास। आपको जो तो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, मसला नहीं है। समझ आ गई? यानी कि आपने क्या किया, हमने पहले कैटेगरी बना दी, जैसे कि ये कैटेगरी हमने बना दी फीमेल्स के लिए, और ये कैटेगरी हमने बना दी मेल्स के लिए, मेल्स के लिए। पीछे कैटेगरी बना दी हमने उन लोगों के लिए जो घर से आगे सिर्फ जान उड़ाते अपनी अम्मी अब्बू और बेगमों से और यहाँ गेम खेल जाते हैं। तो पीछे कैटेगरी उन लोगों के लिए जो पीछे बैक सीट है हमारे पास। ठीक है, तो अब आपको पता है लड़कियों ने यहाँ बैठना आके, हमेशा बॉयज ने यहाँ बैठना आके, और जो बैंक बेंचर जो वो एक्टिविटीज कर रहे उनको पीछे बैठना है। यानी ये रोज हमें बतानी पड़ेगा आपको, ऐसे ये ना फर्स्ट टाइम आए फर्स्ट टाइम डिसाइड हो, ये रोज ये रोज ये रोज। ठीक हो गया, ये होता है टाइप इंटरफेस भी कहते हैं इसको, और को एलियास भी कहते हैं। कि पहले आपने क्या किया, इस चीज को डेजिग्नेट कर दिया, पहले बता दिया स्ट्रिंग ऐसा होगा, नंबर ऐसा होगा, आईडी कार्ड अगर फॉर एग्जाम्पल है, नेम है, और आपका ई मेल है, जो भी ऐसा चीज है वो आपने उसको बता दिया। ठीक है, तो अच्छा और एक चीज और, ये हम स्टेप्स तैयारी करवा रहे हैं ना आपको। स्टेप्स की तैयारी का मतलब ये है कि एग्जाम में आएगा ये चीज आपके, तो आप सोच लें कि आपने और कितना ज्यादा अटेंटिव होके लेक्चर लेने आज का। एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है अब आपकी, वैसे मुझे नहीं बताना था आपको, लेकिन मैं चले फिर भी आपके मासूम चेहरे पर तर्स खा के बता दिया कि ये जो है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन होने स्टार्ट हो गई है। यानी अब जैसे जैसे हम साफ पढ़ेंगे वैसे वैसे हम स्टेप्स भी काम करेंगे, कवर करेंगे 10 स्टेप्स। ठीक है, कोई सवाल है किसी का? आपका था जी, आपका। हाँ यस मैम। मैम हमने ये नंबर के आगे एरर दिया है ना, अब उसमें हम फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग वगैरह नहीं यूज कर सकते, अगर हम ये यहाँ पे पाइप लगा के माय टाइप लगाएं या उस ये एरे के अंदर लगाएं, तो क्या हम इसके अंदर स्ट्रिंग वगैरह यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर? अभी हम उसी पे आ रहे हैं, अगला टॉपिक वही है। क्वेश्चन आया जो एक तरीका तो है किसी भी एरे को डिफाइन करने का, सेकेंड तरीका क्या है कि आप एरे वर्ड इस्तेमाल करें, एरे बिल्टन ऑब्जेक्ट भी जावास्क्रिप्ट में, और उसके बाद ये वाले दो ब्रैकेट्स जो हम एचटीएमएल में इस्तेमाल करते हैं ये लगाकर भी आप बता सकते हैं कि मैं इसके अंदर नंबर्स सेव करूंगा, नंबर्स का एरे बनाऊंगा, और उसके बाद इसको एरे दे सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, एक ये कि आप दो तरीके हैं लिखने का तरीका है, दोनों काम सेम करते हैं, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। एक क्या है कि आपने नंबर लिखा फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, एक क्या है आपने एरे लिखा फिर आपने ये एस्टिमेट वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं एंकल ब्रैकेट्स, और फिर उसके अंदर आपने वर्ड रख दिया अपना जो भी आपकी टाइप थी, नंबर या स्ट्रिंग या बूलियन है। तो दो मेथड है, अगर इसको स्ट्रिंग कर देंगे तो स्ट्रिंग से करवा सकते हैं, इसमें ए बी और मुख्तलिफ इसमें हम स्ट्रिंग से करवा सकते हैं, और इसमें अगर मैं नंबर ऐड कर दूंगा तो अब यहाँ पर एरर आ जाएगा
कोई भी नंबर ऐड कर दूंगा या उसमें मैं बूलियन ऐड कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि ये सिर्फ स्ट्रिंग सेव करेगा ना कि कोई दूसरी टाइप। लेकिन अब हम दोबारा उसे प्रॉब्लम पे आ गए। अभी हमने यहाँ पर देखा वेरिएबल्स के अंदर आम वेरिएबल्स हम क्या कर रहे थे, हमने किया एक या दो या तीन टाइप्स को पाइप लगाकर या बाहर जिसको हम कहते हैं हमने सेपरेट कर दिया कि एक से ज्यादा टाइप के हम सेव करवा सकते हैं। हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी सेव करवा रहे थे, इनिशियली हमने नंबर सेव कराया, फिर हमने इसमें स्ट्रिंग सेव करवाया, फिर आगे जाके बूलियन सेव कराया, क्योंकि हमने इसको बताया था कि हम एक अपनी खुद की टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो टाइप हमने क्या डिफाइन करी थी, स्ट्रिंग बार नंबर या पाइप नंबर और पाइप बूलियन। और किस तरह किया था, हमने वेरिएबल के लेट इस्तेमाल करते हैं, एरे के लिए भी लेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमें टाइप डिफाइन करनी है उसके लिए हम टाइप का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं बजाय लेट या किसी और। अगर मैं लेट लिखूंगा तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपको स्टिक बाई नजर आ रही है।